हाय फ्रेंड्स, कोरोना कोरोना कोरोना, डरो ना डरो ना डरो ना। मैं नीलेश पटेल आप सभी को ये वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का माहौल जैसे कि हमने सभी ने जाना है, हम सभी आज देख रहे हैं, अगर किसी से फोन पर बात होती है, अगर हम टीवी का न्यूज ऑन करते हैं या किधर से भी कोई भी मैसेज या कोई खबर आ रही है जो हमको टेंशन देती है, दहशत फैला रही है, जो हमें फ्रस्ट्रेट कर रही है, हमें टेंस कर रही है। लेकिन दोस्तों, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन सावधान, ओवर कॉन्फिडेंट होने की और जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज जैसे कि हम कार रोड पर लेकर जाते हैं तो हमको डर रहता है अगर एक्सीडेंट हो गया तो, लेकिन एक्सीडेंट के डर से हम रोड पर गाड़ी ले जाना बंद कर देंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? गाड़ी तो लेकर के हमको रोड पर जाना ही है, लेकिन सावधान रहना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे ही आज दोस्तों, हमें ओवर कॉन्फिडेंट न बन के हमको घर पे ही बैठना पड़ेगा। तो सब यही बोलते हैं कि सर, घर में बैठने का आदत नहीं है, थोड़ा बोर हो रहा है, और हम एक ही जगह पे, जैसे कि हम नेटवर्कर लोग रेगुलर हम भागते दौड़ते रहते हैं, लेकिन आज घर में हम व्याकुल है, थोड़ा परेशान है। दोस्तों, आज के माहौल रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक जंगल के अंदर एक प्रेग्नेंट हिरन थी, वो जंगल में नदी तट पर घूम रही थी अपना बच्चा डिलीवर करने के लिए, जो उनका टाइम आ चुका था। तो वो जगह ढूंढ रही थी, उन्होंने जगह मिली, थोड़ा एक तरफ नदी था, पानी भी था, और दूसरी तरफ उसका प्रेग्नेंट होने के बाद चारा या वगैरह, उसका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जावे, अच्छी जगह उन्होंने ढूंढ ली थी। लेकिन हुआ यूं, सब अच्छा चल रहा था, सब अच्छा उन्होंने सोच के रखा था, उनके माइंड में बहुत सारे ड्रीम थे। एकदम माहौल चेंज हुआ, वातावरण में बदलाव आ गया, और तुरंत बिजली कड़कने लगी, बारिश का माहौल, मौसम शुरू होने लगा, और दूसरी ओर एक शिकारी भी उन्होंने देख लिया कि एक शिकारी तीर कमान लेके उसकी ओर आ रहा है, और दूसरी ओर एक शेर भी उन्होंने देखने को मिला। दोस्तों, माहौल एकदम सा बदल गया, हिरन थोड़ी घबरा गई, थोड़ी भयभीत हो गई, टेंस हो गई, अभी क्या करें। एक और पानी बढ़ रहा है नदी के अंदर, एक और शेर आ खड़ा है, और दूसरी ओर शिकारी खड़ा है। अब ये प्रेग्नेंट हिरन एकदम टेंस है। दोस्तों, अब वो क्या करेंगे? उन्होंने अपने आप से बात करी कि अब मैं क्या कर सकती हूं, अभी मेरा काम क्या है, अभी मेरा फोकस कहां होना चाहिए। तो सब डर निकाल के उन्होंने आज के समय पर अभी मुझे क्या करना चाहिए उसी पर फोकस किया, कि उसी का काम है अभी बच्चे को डिलीवर करना। लेबर पेन शुरू हो चुका था, तो उसको बच्चा डिलीवर करना था। दोस्तों, उन्होंने सब टेंशन छोड़ के अपना फोकस बच्चे को डिलीवर करने में लगा दिया, और युवा यूं दोस्तों, उन्हें भगवान पर, खुद पर भरोसा रख के जो काम किया, थोड़ी देर के अंदर तुरंत एक तरफ बिजलियां एकदम कड़क रही थी और बादल गरज रहे थे, सिर जैसा तीर शिकारी ने हिरन की ओर ताना, उतने में एकदम बिजली कड़की और निशाना जो शिकारी का था वो चूक गया, और सीधा उस शेर को वो तीर जाके लगा, और दूसरी ओर माहौल एकदम रुक गया और पानी भी धीरे धीरे कम होने लगा। दोस्तों, आज का माहौल भी हमारा ऐसा है, जैसे हिरन के हाथ में कुछ नहीं था, उसके कंट्रोल में नहीं था, उसी पर उन्होंने फोकस नहीं किया। आज हमारे हाथ में नहीं है, लॉकडाउन है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमारे कंट्रोल में क्या है, हमें उसी पर फोकस करना चाहिए और उसी का फायदा हमको उठाना चाहिए। दोस्त, आज हमारा फोकस 100% लॉकडाउन का पालन करके हमको घर में बैठना है। तो आज का हमारा कर्तव्य है, लॉकडाउन में घर में ही रहे और सबको सुरक्षित रखे, हमारे देश के लिए, हमारी फैमिली के लिए। आज का है लॉकडाउन, घर में रहना ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी देशभक्ति है,
दोस्तों आज हमें कोरोना के साथ एक्सीडेंट होने का खतरा है, आज हमें कोरोना का विक्टिम कोरोना का शिकार न बन जाए उसका खतरा है, लॉकडाउन आज हमें जेल जैसा लग रहा है, जेल जैसा हम समझते हैं, लेकिन सच में लॉकडाउन क्या है दोस्तों? एक्सीडेंट होने का खतरा या एक अपॉर्चुनिटी? विक्टिम होने का खतरा कोरोना का या एक विक्ट्री का मौका? लॉकडाउन एक जेल या एंजॉय करने का मौका? और कौनो चारा था? मैं पूछू था कौनो चारा? क्या कर सकते थे हम? ये विपदा नहीं है मुखिया जी, मौका है मौका। लॉकडाउन एक मुसीबत या मौका? तो दोस्तों मैं समझ रहा हूं कि आज हमको ये मौका मिला है, मौका खुद को बदलने का, खुद को अपडेट करने का और हमारी आदतों को बदलने का मौका। दो पार्ट में बात करने वाले हैं। सबसे पहला इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट वन में कोरोना का विक्टिम होने से कैसे बचा जाए और दूसरा विक्ट्री की ओर जीत की ओर आगे कैसे बढ़ा जाए। जैसे कि आप हम सब जानते हैं कोरोना अगर लग गया तो उसकी वैक्सीन या उसकी दवाई हमारे पास नहीं है, मतलब कि अगर कोरोना से हम बचना है तो एक ही हमको करना होगा कि हमको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, घर पे बैठना होगा, सोशल डिस्टेंस रखना पड़ेगा और दूसरा हमारी इम्यूनिटी जो रोग निरोधक शक्ति है, रोग प्रतिकारक शक्ति है, उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। और दोस्तों अगर हम घर पे रहना है लॉकडाउन में तो हमारा फैमिली को हमको बचाना है, हमारा लक्ष्य टारगेट को अगर हमको पूरा करना है तो आज हमें घर पे बैठना ही पड़ेगा और सोशल डिस्टेंस रखना पड़ेगा, खुद पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। नंबर दो दोस्तों इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाए, तो जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे शरीर के अंदर तीन शक्तियां होती है, हमारे अंदर तीन शरीर है, एक शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और एक आध्यात्मिक शक्ति। तो दोस्तों हम कैसे हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति, हमारे तीनों शरीर तीनों शक्तियां उसी पर प्रभावित रोग इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती है, तो दोस्तों शारीरिक रूप से हम कैसे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, तो जैसे सात्विक खुराक लेना होगा हमें, वेज फूड, अगर हम अभी नॉन वेज फूड ले रहे हैं तो उसको टेम्पररी बंद करना होगा, दो तीन बार दिन के अंदर गर्म पानी पीना होगा, विटामिन सी वाले फ्रूट हमको लेने होंगे, आयुर्वेदिक काढ़ा जो आयुष मंत्रालय ने जारी किया है वो अगर हम ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, विटामिन डी जो हमारी बॉडी को जरूरत है जिससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, तो विटामिन डी मुफ्त में मिल रहा है, सुबह अर्ली मॉर्निंग हमको 20 मिनट तक सुबह के सूरज की किरणों के अंदर बैठना चाहिए। और सबसे बढ़िया दोस्तों एमआई लाइफस्टाइल हमारी कंपनी की प्रोडक्ट है, बेहतरीन प्रोडक्ट जो हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकती है, जैसे कि 95 कवच प्रास स्पिरुलिना और इम्यूनो 3 प्लस जैसी बहुत सारी प्रोडक्ट है जो हमें इम्यूनिटी बढ़ाने में सपोर्ट करती है, वो आज के समय में हमको रेगुलर रहना चाहिए। दूसरा है दोस्तों मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हम कैसे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, तो दोस्तों सुबह जल्दी उठ के ध्यान, मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, वॉकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग और ये सब करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों हमको जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जल्दी उठने से अगर हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ कार्यक्रम हम कर सकते हैं तो जल्दी उठना चाहिए दोस्तों। ये सही मौका है हमारी आदतों को बदलने का। नॉर्मली रेगुलर हम भागा दौड़ की लाइफ के अंदर मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, फॉलोअप, पेमेंट, बीवी वगैरह वगैरह में उलझे रहते हैं तो हमको मौका नहीं मिलता है। आज हमारे पास भरपूर मौका है, हमारे पास पूरा टाइम है आदत बदलने का। जानबूझकर अच्छी आदतें अगर हम नहीं लगाएंगे तो अनजाने में बुरी आदत लगनी ही लगनी है और हमारी अच्छी आदतें हमारी सक्सेस की बुनियाद है, यानी सक्सेस नाम का पेड़ की जड़ें अच्छी और सच्ची आदतें हैं। तो दोस्तों अच्छी और सच्ची आदतें लगाने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना ही होगा,
अर्ली राइजर बनना होगा। जैसे कि दोस्तों हम सब जानते हैं, बहुत सारा हमारे पास नॉलेज यूट्यूब पर अवेलेबल है। मैंने भी सुना था किसी ने 500 सक्सेसफुल लोगों की लाइफ को स्टडी किया था कि जो जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल है, तो उन्होंने पाया कि वो 500 सक्सेसफुल लोगों के अंदर एक कॉमन खूबी थी, एक कॉमन आदत थी, और वो थी सुबह जल्दी उठने की आदत। वो सभी अर्ली राइजर थे। उन सभी को सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता था, फिर भी वो अर्ली मॉर्निंग उठते थे दोस्तों, क्योंकि हम आदिकाल से भी देखते आ रहे हैं और आदिकाल से हम अर्ली मॉर्निंग उठने का इम्पोर्टेंस बताया गया है। क्यों दोस्तों, पूरे दिन में सुबह 4:30 से 7:30 बजे का जो समय है वो इम्पोर्टेंट टाइम है। पूरे दिन के अंदर इतना इम्पोर्टेंट टाइम और कोई नहीं हो सकता, जिसको हम ब्रह्म संध्या बोलते हैं। तो ब्रह्म संध्या के समय एक्टिविटी करने का और उठने का एक बहुत अलग रिजल्ट, अलग परिणाम देता है। वो समय के अंदर वो समय एकदम शांत होता है, पॉल्यूशन फ्री होता है, ऑक्सीजन भरपूर होता है। उसी टाइम पर देवी शक्तियां एकदम एक्टिवेट रहती है और कॉस्मिक एनर्जी जो ब्रह्मांड की है वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली दोस्तों सुबह उठने से वो हमारे अंदर इंस्टॉल होती है, डाउनलोड होती है। हमारा कॉन्सेंट्रेशन जल्दी बनता है, हमें हीलिंग प्रोसेस फास्ट होती है, याद रहने का शक्ति उसी टाइम जल्दी अच्छा बढ़ता है, ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं उसी टाइम, हमारा माइंड कूल डाउन होता है, हमारा बॉडी फ्रेश होता है। और वही समय है कि कम से कम समय में, कम प्रयास में हम ज्यादा क्वालिटी काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर सुबह जल्दी उठने से, अच्छी आदतें लगाने से सक्सेसफुल बनने की गारंटी बढ़ती है, तो शायद नहीं हमें सुबह जल्दी उठने की आदत लगानी ही चाहिए। और आज पूरा खतरा है अनजाने में बुरी आदत लग जाने का, क्योंकि आज हम कंफर्ट जोन में हैं, हमारे पास टाइम ही टाइम है, काम नहीं है, बाहर जाना नहीं है, तो ये सिचुएशन हमको आलसी बना सकती है। आपको सावधान रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, आज हमें खुद से चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये कंफर्ट जोन के अंदर हमारी आदत, हमारी जो सक्सेसफुल बनने के लिए जो अच्छी सच्ची आदत है उसको प्रयास लगाना होगा, प्रयास करना पड़ेगा। और वैसे भी दोस्तों साइंस कहता है कि कोई भी काम लगातार हम 21 दिन तक करते हैं तो हमारी आदत बन जाती है। 21 दिन तक कंटिन्यूअस अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारी आदत का एक हिस्सा, हमारे रेगुलर लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। तो क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाएं। ओके दोस्तों, आज का मेरा शेड्यूल है, अर्ली मॉर्निंग 5 से 5:15 बजे मैं उठ जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ और 30 मिनट तक ध्यान मेडिटेशन करता हूँ, फिर 1 घंटा मैं वॉकिंग में जाता हूँ, आने के बाद 10 मिनट रेस्ट लेता हूँ और रेस्ट लेने के बाद 30 मिनट तक रेगुलर दोस्तों प्राणायाम योग करता हूँ, और उसके बाद 10-15 मिनट तक मंत्र, गायत्री मंत्र जाप या गायत्री मंत्र लेखन करता हूँ, और उसके बाद पूरे फैमिली के साथ 10 मिनट एक छोटा यज्ञ रेगुलर डेली बेस पर, जिसको हम नैनो यज्ञ बोलते हैं, वो करते हैं, और उसके अंदर दोस्तों पूरा माहौल घर का एकदम बदल जाता है। और साइंस बताता है कि यज्ञ करने से, कुछ आहुतियां, कुछ घी का दहन होने से पूरे वातावरण के अंदर सभी प्रकार के वायरस खत्म हो जाते हैं, और बाद में 8 से 8:15 बजे आयुर्वेदिक काढ़ा, जो हम आगे देख चुके हैं दोस्तों, वो हम लेते हैं। तो ये हमारा सुबह का शेड्यूल है। तो दोस्तों ये पहले पार्ट में हमने बात किया कि हमारी इम्यूनिटी को हमको क्या करना चाहिए, कैसे बढ़ाना चाहिए। दूसरे पार्ट देखेंगे दोस्तों, जिसमें हम देख रहे हैं कि विक्ट्री की ओर हम कैसे बढ़े, जीत की ओर हम कैसे बढ़े, और आगे बढ़ने के लिए हमको आज क्या करना चाहिए। तो दोस्तों हमारे हाथ में है, लॉकडाउन का टाइम भरपूर हम यूज करें और खुद को अपडेट करें, खुद का नॉलेज बढ़ाए, हमारे अंदर वो क्वालिटी डेवलप करें, तो ये बढ़िया समय है हमारे पास ये मौके का फायदा उठाने का। जैसे कि हमने पूरा कोर्स बनाया हुआ है 10 CD/DVD का, नए डिस्ट्रीब्यूटर का,
वो सभी हमको सिलेबस के रूप में पूरा करना है। दूसरा, हमारे बहुत सारे लीडर्स की जो सीडी डीवीडियां रहती है, ट्रेनिंग है दिग्गज लीडर्स की, जो रिकॉर्डेड है हमारे पेन ड्राइव में, डीवीडी में, हार्ड डिस्क में, तो ये सब हमको देखना चाहिए। नंबर दो पे बात करूंगा, सोशल मीडिया आज भरपूर हम यूज कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक और बहुत सारे अलग अलग जगह से हम अलग अलग प्रकार की क्लिपिंग्स, वीडियो, ट्रेनिंग के रूप में हमारा नॉलेज, हम आज जो भरा पड़ा हुआ है वो हम बढ़ा सकते हैं। हमारे कंपनी के टॉप मोस्ट लीडर्स है तो वही वीडियो जो हमारे ग्रुप में आ रहा है या यूट्यूब लिंक हमको मिल रहा है उसके माध्यम से हमारा नॉलेज हम बढ़ा सकते हैं। नंबर तीन पे हम बात करेंगे दोस्तों, बुक रीडिंग। तो हमारे पास अभी मैं लिस्ट नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि हमको पता है कि हम कौन कौन सी बुक आज MLM में या आगे बढ़ने के लिए, नॉलेज के लिए हमको बुक रीड करनी चाहिए, वो पूरा आप सब जानते हो। तो आज हमको बुक रीड रेगुलर हमारा शेड्यूल के अंदर कुछ टाइम, फिक्स टाइम बुक रीडिंग के लिए लगाना पड़ेगा। अगर कोई बोलता है कि मेरी बुक ऑफिस में है या गाड़ी में है या किधर भी है, तो हमारे पास एक ऑडियो बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ऑडियो बुक के लिए कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके अंदर मनचाही बुक आप अपने तरीके से वो सुन सकते हैं। नंबर चार पे बात करेंगे दोस्तों, मूवीज एक बहुत बड़ा जरिया है, माध्यम है और अच्छा भी लगता है सबको, तो एक तरीका अपनाया जा सकता है। तो जैसे मोटिवेशनल मूवीज, इंस्पिरेबल मूवीज, फीलिंग मूवीज, सोशल मूवीज, और दोस्तों मूवी का पूरा लिस्ट आज हमारे रिस्पेक्टेड आईडी पटेल सर, बहुत अच्छा कलेक्शन है उनके पास, तो वो आप यूज कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया है और भेजा हुआ है और अच्छे अच्छे फीडबैक उससे मिल रहे हैं। दोस्तों फिल्म देखने से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उसके अंदर हमको मोटिवेशन मिलता है, जिद मिलती है, डिटर्मिनेशन मिलता है, पैशन, टारगेट, प्लानिंग, साहस, पेशेंस, उम्मीदें, एंथुजियाज्म, लगे रहने जैसी खूबियां हमारे अंदर डेवलप होती है, जो निश्चित रूप से हमें प्रभावित करती है। ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो डाउनलोड होते हैं, इंस्टॉल होते हैं, और वो हमारी आगे जीत की एक वजह बन सकता है, जीत का एक कारण बन सकता है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों नंबर पांच पर, स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट आज के समय में हमको करना चाहिए। तो आज घर बैठे हम कौन सी स्किल डेवलप कर सकते हैं, जो कि दोस्तों जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, बाहर निकलेंगे, तभी हमको सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा जो हमको स्किल डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी या वो स्किल की जरूरत पड़ेगी, वो है सबसे ज्यादा 1-to-1 फॉलो इन्विटेशन। बिजनेस की बहुत सारी एक्टिविटीज उसी की हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे कि आज मेरे टीम के अंदर, मेरी जो भी ग्रुप के अंदर जो लोग हैं, उनको ऑनलाइन ये स्किल डेवलप करने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा 1-to-1 काम को जरूरत पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जैसे हम बाहर निकलेंगे, मीटिंग और बड़ा गैदरिंग नहीं हो सकता है, तो होम प्लान या 1-to-1 का पर फोकस हमको करना पड़ेगा, तो हम सीख सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जैसे हमारी टीम में बहुत सारे नए लोग हैं जिनको मेल करना नहीं आता होगा, पान अपडेट करना नहीं आता होगा, KYC, NEFT, वो सब हम सीख सकते हैं, तो ये सब हमको स्किल डेवलप करनी चाहिए। उसके अलावा हम बहुत सारा ऑनलाइन कोर्स सीख सकते हैं। जैसे कि मेरे एक लीडर से बात हुई थी, मेरी टीम में है, तो उनको बात होने के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने एक ऑनलाइन PPT बनाने का कैसा, उसका एक वीडियो डाउनलोड किया या ऑनलाइन उन्होंने देखा, और आज वो घर बैठ के PPT बनाना सीख गया। तो हम वो कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग का कोर्स ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज का ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग, स्टेज फियर जो हमारा डर है उस पर कैसे काबू पाया जाए वो हम कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, मेमोरी डेवलप करने का कोर्स है, वैसे बहुत तरीके का कोर्स है। वर्ड एक्सेल पर हम काम करते हैं, तभी कुछ दिक्कतें आती है, तो उसको डेवलप करने का भी हम एक कर सकते हैं। दोस्तों नंबर छह पर बात करेंगे, हॉबीज, जो हमारे शौक है, जो कि हमारे कुछ मन चाहिए कुछ प्रवृत्तियां हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं हमारी भागदौड़ की लाइफ में, तो आज हमें मौका मिला है हमारी हॉबीज को पूरा करने का। तो हम गिटार बजाना सीख सकते हैं, जो हमारा अगर हॉबी है, या घर पे बैठ के स्टोरी या बुक लिखना, हारमोनियम तबला बजाना हम सीख सकते हैं, सिंगिंग का अगर हमारा शौक है, स्टैंड अप कलाकार बनने का हमारा, या मिमिक्री का,
तो अगर वो हम हमारा है तो घर पे सबके साथ में बैठ के हमारा वो सब सीख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग लेने का सीख सकते हैं, स्पेशल डिशेज बनाने का, जैसे कि किचन का कई लोगों का शौक रहता है तो वो हम सीख सकते हैं। और दोस्तों बात करेंगे आगे कि आज की लाइफ के अंदर मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट की बात करेंगे। दोस्तों हमारे घर में, हमारे ऑफिस के अंदर जो भी हमारे डायरीज हैं, हमारे पुरानी नोट्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, रनिंग हमारे जो पेपर्स हैं, वो सब इधर उधर पड़े हुए होते हैं दोस्तों, वो सब हम आज टाइम मिला है उसको हम सुव्यवस्थित कर सकते हैं, उनको हम कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी बात करूंगा मैं, हमारा लैपटॉप जिनके अंदर हम अभी, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो कुछ चाहिए लैपटॉप के अंदर तुरंत नहीं मिलता है, तो आज लैपटॉप के अंदर अलग अलग तरीके का फोल्डर आप सही तरीके से आपके सिस्टम के अनुसार आप वो सब सही कर सकते हो। जैसे कि हमारे आज तक हमने टूर की है उसी के अलग अलग फोल्डर हैं, ट्रेनिंग्स हैं, प्लान है, ट्रेनिंग सेमिनार फंक्शन है, या हमारे ग्रुप में जो अचीवमेंट्स हुए हैं उसी के कुछ फोल्डर हैं, तो ये अलग अलग तरीके का जो हमारे लैपटॉप के अंदर हम मैनेजमेंट करके अच्छा तरीके से उसको रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारे साथ निभाता है, साथ में रहता है, 24 घंटा हमारे साथ में रहता है, वो मोबाइल, हमारा मोबाइल। तो दोस्तों मोबाइल भी आज हम गेस्ट के पास बैठे या किधर SHG में गए या किधर भी हम आते जाते हैं, तो वहां पर हम चाहते हैं वो वीडियो आपको याद आ गया, किसी को दिखाना है तो बहुत ढूंढने पर भी हमको नहीं मिलता है, तो आज वो हम सिस्टमेटिकली मोबाइल के अंदर अलग अलग फोल्डर, जैसे कि रिजल्ट वीडियो, प्रोडक्ट वीडियो, शेयरिंग वीडियो, ब्रोशर्स, जो शायद हम किधर भी गए ब्रोशर नहीं मिल पा रहा है तो वो ब्रोशर का एक फोल्डर, हमारे शेयरिंग्स वीडियो, अलग अलग प्रकार, अलग अलग तरीके से अलग अलग फोल्डर हम आज सही करने का हमको आज मौका मिला है। तो दोस्तों ये हम डेवलप कर सकते हैं। नंबर 8 पे बात करेंगे दोस्तों, हमेशा हमारी फैमिली से कंप्लेन रहती है, उम्मीदें भी है और कंप्लेन भी है कि हम फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, फैमिली के साथ वक्त नहीं गुजारते, तो आज हमको भरपूर टाइम है हमारे पास, मौका मिला है फैमिली को क्वालिटी टाइम देने का, उनका फ्यूचर में क्या चाहिए उसके ऊपर बात करने का, प्लानिंग करने का, उनके भी गोल टारगेट, उनकी चाहतों का लिस्ट आप बना सकते हैं और आपके खुद के भी गोल टारगेट अपडेट आप कर सकते हो। अपने आप से अकेले बैठने का भी आपको आज मौका मिला है, तो वो एक एक्टिविटी हमको आज के समय में करनी ही चाहिए। और इसके साथ हम बात करेंगे दोस्तों नंबर 9 पे, छोटी छोटी हैबिट्स आज हमको डेवलप करनी चाहिए, छोटी छोटी हैबिट्स जो आगे जाके एक हमारी बड़ी सफलता बन सकती है, बड़ी सफलता का कारण बन सकती है। तो अगर दोस्तों छोटी छोटी बातें एक आदत में डालने से, छोटी आदतें अगर बड़ी सफलता प्रदान कर सकता है तो हमको करना ही चाहिए। और दोस्तों वी ऑल आर वेरी 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 लकी कि आज हम भगवान खुदा ने सबसे पहले हमको नेटवर्क इंडस्ट्रीज में आने का मौका दिया। आज हम MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के अंदर है। दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप सब जानते हैं जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केट की आज की हालत क्या है, लॉकडाउन ओपन होने के बाद जैसे लोग काम पे वापस जाएंगे तो दोस्तों मुझे लग रहा है 40% लोगों के पास काम नहीं रहेगा। और आज ही अखबार में मैंने पढ़ा, आज ही अखबार के अंदर कि 60% लोगों की जॉब जाने वाली है, उनको राह दिखानी होगी, उनकी लाइफ में हमको खुशियां लानी होगी, वो जिम्मेदारी हमको उठानी होगी। वो लोग जो मार्केट में कंफ्यूज हैं, दिशाहीन हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, उम्मीदें छोड़ चुके हैं ये लॉकडाउन के टाइम में, वो टेंस हैं, वो सभी को दोस्तों ढूंढ ढूंढ के कॉन्फिडेंस देके MI लाइफ में लाना होगा। आज हमारा एक ही बिजनेस ऐसा है मार्केट के अंदर
सभी को अपनी छाया दे सकता है और उनके सपने पूरा करने में मदद कर सकता है। एक ही बिजनेस है दोस्तों, लोगों को ये हमें बताना होगा। 3 दिन पहले मेरे एक सीए से बात हुई थी, उनके सारे बहुत कॉन्टेक्ट हैं दोस्तों, बड़े बड़े बिजनेसमैन की फाइलें वो संभालते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि नीलेश भाई, आज मेरी फाइल जिन जिन लोगों के पास है, बात होती है, वो लोग अपने कर्मियों जो उसके साथ काम कर रहे हैं उसका फोन वो रिसीव नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो लोग पैसा मांगेंगे, आज पैसा नहीं। जो लोग बरसों से उसके साथ है और आगे रहने वाले हैं, जो उनको इनकम करके देने वाले हैं दोस्तों, उनको आज वो संभाल नहीं पा रहे क्योंकि काम रुका हुआ है, इनकम बंद है। आज उसी दौरान एक नेटवर्क बिजनेस ही ऐसा है कि हमारा काम बंद होने के बाद भी हमारा इनकम चालू रहता है। ऐसी सिचुएशन आती है, शायद इनकम अगर हमारा नहीं हो पा रहा है तो हमारा सबसे प्लस पॉइंट है कि लॉस तो नहीं हो रहा है। उन सभी बिजनेसमैनों की या जो बिजनेस या दुकान है या कोई भी काम कर रहे हैं उसमें, अगर वो आज काम पे नहीं जा रहे हैं तो उसका दो लॉस है। एक तो इनकम नहीं हो रहा है, दूसरा उसका एक्सपेंसेस आज बढ़ रहा है। जैसे कि दोस्तों नेटवर्क के अंदर मेरा ही एग्जांपल आपको दूंगा, आज मेरा लास्ट मंथ 88 मंथ का इनकम है 3.5 लाख से ज्यादा। दोस्तों ये नेटवर्क का पावर। सभी बिजनेस में आज टेंस है, सब एक्सपेंसेस चालू है, लेकिन हमारे जैसे कि लाइट बिल, दुकान का रेंट है और जो उसके साथ काम कर रहे हैं उसकी कर्मचारी और जो भी है उसकी सैलरी, तो ये सब रेगुलर चालू है। और हमारे नेटवर्क बिजनेस में एक भी एक्सपेंस नहीं, अगर हम रुके हुए हैं तो एक भी रुपये का खर्च हम नहीं कर रहे। बदले में फायदा ये हो रहा है दोस्तों, नेटवर्क का सबसे बड़ा फायदा जिसको हम बोलते हैं दोस्तों शस्त्र, हमारा सबसे बड़ा शस्त्र रीपर्चेस। आज सबके घरों में मिनिमम रीपर्चेस तो होने ही वाला है, तो वो मिनिमम रीपर्चेस रहने के बाद एक समय तक आप नेटवर्क में काम करते हैं, जो नेटवर्क खड़ा होता है वो अपने घर के अंदर जो रीपर्चेस करेंगे, रेगुलर प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो मिनिमम टर्नओवर आपका बनने वाला है और वो मिनिमम टर्नओवर के माध्यम से एक मिनिमम इनकम आपकी लगातार होती रहे, तो ये सबसे बड़ा मौका है। इसीलिए दोस्तों हम सब लकी हैं कि हम ये बिजनेस में आ गए हैं। प्यार है इन सभी लोगों को आगे ले जाने के लिए, हम खुद को अपडेट करने के लिए और कोरोना से बचने के लिए मैं तैयार, ताकि लॉकडाउन खुलने पर हम सब टूट पड़ेंगे और चारों ओर लोगों को लेके आएंगे और खूब खूब आगे बढ़ेंगे। दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट, व्यस्त रहे, मस्त रहे, घर में रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, अपडेट होते रहे। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, जय लाइफ टाइम।